आपको भी जो जो क्वेश्चन है ना वो मुझे आप बता दें, एवरेज में एवरेज का क्वेश्चन नंबर आप मुझे आप बताते जाएं, मैं इंशाल्लाह आपको मैं गाइड करते जाता हूँ जी। अवैश बेटा आपका क्वेश्चन नंबर, अच्छा जरबा बच्चे आपने मेंशन कर दिए, जरबा बच्चे आपने तो पूरा चैप्टर मेंशन कर दिया सर, सॉल्व ना ना करवाएं, बस इसके बारे में बता दें थोड़ा सा। ये देखे ना, ये दरबार ने ये मेंशन किया। अच्छा चलो बेटा मैं समझा देता हूँ, ओके नो इशू। अच्छा बेटा सबसे पहले आपने 19 नंबर आपने पूछा है, 19 नंबर, 19 नंबर में कहता है द एवरेज अर्निंग। ये बेटा बड़ी खुशी की बात है बेटा, आप जो जो डिस्कस करें तो मतलब आपने सारे क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया है, ये बड़ी अच्छी बात है, शाबाश। 19 में कहता है द एवरेज अर्निंग ऑफ अ शॉप फॉर फर्स्ट 3 वीक्स ऑफ अ मंथ आर 2750 पर वीक, इफ द अर्निंग ऑफ नेक्स्ट 2 वीक्स आर 4750। आप ये देखो, उसने ये पेज नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ये वैसे पेज नंबर 20 पे है ये एवरेज। क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा सबसे पहले आपके 2 वीक्स की तो आपके 3 वीक्स की तो आपकी इक्वेशन आपकी बन रही है, एवरेज कहता है 2750 है और टोटल आपके पास 3 वीक्स हैं, ये इसका एक्स आ गया। लेकिन बेटा जो दूसरी है ना वैल्यू, जो दूसरी वो बात कर रहा है उसमें बेटा आपकी इक्वेशन आपकी नहीं बनेगी, दूसरे में आप लोगों ने इक्वेशन नहीं बनानी। क्यों? उसने कहा है इफ द अर्निंग ऑफ नेक्स्ट 2 वीक्स, उसने क्या बात की है, अर्निंग ऑफ नेक्स्ट, उसने एवरेज की बात नहीं की। अगर एवरेज की बात करेगा फिर मैं इसके इस तरह इक्वेशन में बनाऊंगा 4750 = y/2, इस तरह मैं इक्वेशन बनाऊंगा, लेकिन इसमें इक्वेशन नहीं बनानी क्योंकि उसने बात की अब अर्निंग, इसका मतलब उसने ऑलरेडी उसने आपको 2 हफ्तों की उसने अर्निंग दी हुई है। ठीक है दरबार बच्चे, आप इसका टोटल आप निकालो, ये आपके पास आ गया x = 3035/15 3721/22। ये बेटा आपको आगे आ गया 8250, ये बेटा 3 वीक्स की अर्निंग है टोटल। तो इसके साथ बेटा आप लोग ये डायरेक्ट आप जमा आप कर दोगे 4750, क्योंकि ये पूरे के पूरे 2 वीक्स की अर्निंग आपको ऑलरेडी आपको गिवन है, ये एवरेज नहीं है, ये टोटल 2 वीक्स की अर्निंग है। बेटा इनको जमा कर लो, ये 13000 आपका राइट आंसर, ये 5 हफ्तों की टोटल अर्निंग कितनी है। ठीक है, यानी कि बात करें मतलब ये आपने 2 वीक्स का अपने इक्वेशन आपने नहीं बनानी, ओके। अच्छा उसके बाद बेटा आपका क्वेश्चन नंबर था इसमें 21 तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, हाँ जी हाँ जी स्क्रीन से बोलिए, कल 21 तो बेटा हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, 34 ना देखिएगा 20 नंबर, ओके देखिएगा 20 नंबर में कहता है कि द एवरेज हाइट ऑफ अ क्लास ऑफ 18 स्टूडेंट इज 105। देखिए 105 एवरेज आ गई, टोटल स्टूडेंट 18 आ गए, ये एक्स हो गया। उसके बाद कहता है आफ्टर द अराइवल ऑफ 7 न्यू स्टूडेंट्स, पहले 18 थे अब हो जाएंगे 25 क्योंकि 7 और स्टूडेंट आए हैं, जब 7 स्टूडेंट जब और जब आते हैं द एवरेज डिक्रीजेज बाय 5 सेंटीमीटर, एवरेज 5 सेंटीमीटर कम हो जाती है, पहले एवरेज 105 थी, अब 5 सेंटीमीटर कम करें अब एवरेज 100 पे आ गई। ठीक है इसको वाई अप रख लो, इसका टोटल निकाल लो 105 × 18, ये टोटल आ गया 1890 सेंटीमीटर, ये टोटल आ गया 100 × 25 = y = आ गया 2500 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया 25 स्टूडेंट की टोटल हाइट, 25 स्टूडेंट टोटल हाइट, ये आ गया हमारे पास 18 स्टूडेंट की टोटल हाइट। ठीक है अब उसका क्वेश्चन क्या है, उसका क्वेश्चन ये है कि मुझे बताओ सारे स्टूडेंट की टोटल हाइट कितने हैं, तो वो यही राइट आंसर है, बस यही राइट आंसर, सारे स्टूडेंट की टोटल हाइट कितनी आ गई 25, ये राइट आंसर। हाँ अगर वो ये कहता ना मुझे बताओ जो 7 नए स्टूडेंट ऐड हुए हैं उनकी हाइट कितनी है, फिर
फिर मैं 2500 में था 1890 माइनस करता। हाँ अगर वो एवरेज करता तो करना 7 फीट राइट साइड, समझ आ गई। उसने सिर्फ ये बोला है कि मुझे बताओ 25 स्टूडेंट के सारे के सारे की हाइट कितने, और 2500 आपका राइट आंसर। ओके बच्चों, ठीक है सर। नेक्स्ट आप में से बेटा 34 किसी ने पूछा है, दरबार में पूछा 34 नंबर बेटा कह रहा है कि रजा बाट 9 bananas for 15 एंड 6 bananas for 12, फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ ईच बनाना। जब वो ईच की बात करता है तो मतलब एवरेज की बात करता है, ईच की बात हो या पर की बात हो, रेट की बात हो, ईच आए या वर्ड पर आए, या वो रेट की बात कर, रेट ऑफ ईच, ईच डजन, तो वो हमेशा एवरेज होता है। ठीक है, तो अब देखो रजा ने ये 34, रजा ने 9 banana खरीदे 15 के, 6 banana खरीदे 12 के। अब इनकी इक्वेशन नहीं बनेगी, क्यों? उसने एवरेज नहीं बताया। अगर वो ये कहता ना कि एवरेज प्राइस ऑफ 9 banana 15 rupees, फिर तो मैं 15 9 मतलब कर देता। उसने तो टोटल उसने बताया, कहता है 9 banana 15 rupees के हैं, 6 banana 12 का, ये टोटल बनाना उसने 15 खरीदे, टोटल उसने 27 रुपये अपना खर्चा किया। अब आपकी एवरेज की इक्वेशन बनेगी कि एक बनाना कितने का आता है, सम ऑफ वैल्यूज में 27 बटा टोटल बनाना कितने है 15, सम ऑफ वैल्यूज में 27 रुपये आ गया, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज में 15 रुपये आ गया, ये आपका बनता है 1.6 चाहे बनता है 15 × 1 = 15, पीछे बाज गया 12 × 15 = 8 = 1.8 है, 1.8 आपका राइट आंसर, 1.8 rupees पर बनाना आपका इसकी एवरेज है, एक बनाना 1.8 rupees। ठीक है, अच्छा और बच्चों आपके क्वेश्चन था 38 नंबर, अच्छा वैश 24 और 25 में पहले मैं सॉल्व करवा दूंगा। 24 नंबर, 24 में कह रहा है फाइंड द टेम्परेचर, फाइंड द टेम्परेचर, हाँ एक मिनट ठहरिएगा, मैं उनको जरा, एक स्टूडेंट बीच में कॉल है, वो दोबारा मुझसे ना, वो शायद वो मांग रहे हैं। ओके मैंने उनको शेयर कर दिया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है फाइंड द टेम्परेचर ऑन संडे, संडे को टेम्परेचर क्या होगा, एक दिन का आपसे टेम्परेचर पूछा जा रहा है, संडे को टेम्परेचर क्या होगा अगर इफ द सम ऑफ टेम्परेचर ऑन अदर 6 days इज 140। ये जो अदर 6 days है इनका सम है, सम ऑफ 6 days यानी कि इनका टोटल आपको दिया जा रहा है वो 145 degrees है, ये 6 दिन का टोटल आपको दे दिया, 7वां दिन उसमें से मिसिंग है। एक और आपको डिटेल देता है कि एवरेज ऑफ होल वीक इज 25, पूरे हफ्ते की जो एवरेज है ना वो 25 है, यही बनेगा ना 25 = x/7, 7 क्यों, क्योंकि पूरा हफ्ता है, यहां से आप एक्स की वैल्यू आप निकालो, ये आपके पास 7 days का टोटल आ जाएगा 175 degrees। ये 7 दिन का टेम्परेचर है, ये 6 दिन का टेम्परेचर है, एक दिन कैसे निकालोगे, कल हम लोगों ने पढ़ा था ये 7 दिनों में से 6 दिन निकाल दो, कल हमने किया था ना क्वेश्चन 21, 7 में से 6 दिन निकाल दो आपको संडे का टेम्परेचर पता चल जाएगा, ये 7 में से 6 दिन निकाल दो 30 degrees आपका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर। इसके बाद मैं 25 नंबर भी अवैध है, इससे बेटा मिलता जुलता ही है। 25 में कहता है कि सम ऑफ वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 290। देखो सम आपको दिया गया 290 के जी सम है, और वो कहता है 20 स्टूडेंट्स हैं,
ये 20 स्टूडेंट है, इनकी एवरेज आपको अभी नहीं दी गई, ठीक है, मिसिंग अभी एवरेज। लेकिन फिर वो कहता है कि अनदर स्टूडेंट ऑफ वेट 25 kg न्यूली एनरोल्ड। अब उनमें एक 25 किलोग्राम का एक नया स्टूडेंट एक एनरोल किया गया, कहता है मुझे बताओ उसकी न्यू उसकी एवरेज क्या होगी। अच्छा पहले इसका सम कितना था 290, अब उसमें एक 25 किलोग्राम का एक नया बच्चा ऐड हो गया, न्यू सम अब कितना बनेगा, न्यू सम बनेगा 315 kg, ठीक है। पहले स्टूडेंट कितने थे 20, अब न्यू स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, न्यू नहीं सॉरी नाउ, नाउ स्टूडेंट्स हो जाएंगे 21। अब इनकी एवरेज आप कैसे आप निकालोगे, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, 21 1 25 21 5 15, ये इसका राइट आंसर आएगा 15 किलोग्राम केश, ठीक है। ओके अवैश बच्चे क्लियर जी सर। सर ये 26 और 27 भी थोड़े मुश्किल थे, इनको भी करवाइए 26 नंबर। ओके एवरेज का 26 नंबर कहता है द एवरेज एज ऑफ अ क्लास इज 12 ईयर एंड टोटल एज इज 300। देखो एवरेज एज 12 है और टोटल एज 300 है, यानी सम की जगह 300 आ गया, एवरेज की जगह 12 है, इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास नहीं है। नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ से किस तरह आएंगे, ये 12x उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 12x, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 300/12, एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी 25, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें कितने हैं 25 है। अच्छा अब वो फिर से वही बात करता है जैसे ऊपर 25 में है, कहते हैं इफ अ स्टूडेंट ऑफ एज ऑफ 15 ईयर इज नाउ एडमिटेड फाइंड एवरेज। अच्छा अब इसका न्यू सम कितना आएगा, पहले इनका सम 300 था, अब इसमें एक 15 किलोग्राम का एक नया बच्चा ऐड हुआ है, अब इनका सम हो गया 315। अच्छा अब नाउ स्टूडेंट्स कितने होंगे, फिर से सेम ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया, पहले स्टूडेंट थे 25, अब उसमें एक और स्टूडेंट ऐड हुआ तो अब हो गए 26। अब इसकी एवरेज क्या होगी 315/26, 12/11 आपका राइट है। ओके वैश शाबाश 27 भी है। ओके सर, सर जी सर, आपको सॉल्व अभी मैं करवाई जा रहा हूँ उसको बेटा, बाद में आपको जब स्लाइड जब शेयर होगी फिर आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है शाबाश। ओके सर 27 नंबर देखिएगा, 27 नंबर कहता है कि अली 50 km/h की स्पीड के साथ गाड़ी चला रहा है 3 घंटे के लिए, फिर वो कहता है कि ड्यू टू हैवी ट्रैफिक उसने 40 km/h चलाई अगले 2 घंटों के लिए, बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या होती है पूरे ट्रिप। तो आसान था क्वेश्चन है, पहले ये 3 घंटों का टोटल निकाल लो, फिर ये 2 घंटों का टोटल निकाल लो, 3 घंटों में उसने टोटल उसने फासला कवर किया 150 किलोमीटर, 2 घंटों में उसने टोटल फासला कवर किया 80 किलोमीटर, कोई कहता है इनकी एवरेज क्या थी, तो एवरेज में सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू कितने हैं टोटल 5 घंटे। ये वही हमारा क्वेश्चन हो गया जो हम लोगों ने कंबाइंड फैमिली वाला क्वेश्चन हमने किया था, 230/5, 46 km/h इसकी एवरेज पर, ठीक है वैसे। ओके अच्छा बेटा आपने एक 36 बोला है, मैं 36 देख लूँ ऊपर इनका है, अच्छा नहीं है चलो ओके 36 नंबर है देखिएगा, ये 36 नंबर आप देखो ना सेम क्वेश्चन आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 26 25 की तरह 36 में कहता है कि द एवरेज ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन है 24 एवरेज है, 8 ऑब्जर्वेशन है, पहले बेटा आप इसका सम आप निकालो एक्स निकालो, उसके बाद कहता है 1 more observation 33 is added than the average value,
इसका आप टोटल आप निकालो आप। अब इन शॉर्ट आपके क्वेश्चन शायद हो भी जाएंगे क्योंकि इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको करवा दिया। 8 4 32, 8 2 16 और 3 192, इनमें एक ऑब्जर्वेशन आपके और ऐड हुई है वो 33 ऐड हुई है। इसमें 33 भी ऐड कर दे तो न्यू सम कितना आ जाएगा 225। ये आपके पास न्यू सम आ गया। अब इसकी एवरेज क्या आएगी? सम डिवाइडेड टोटल नंबर, पहले 8 थे ना, ये जो एक ऑब्जर्वेशन इसके आपने ऐड आपने की है ये वाले, आप टोटल 8 के बजाय हो जाएगी 9 ऑब्जर्वेशन क्योंकि एक बाद में एक ऐड हुई है। 9 को 225 पे डिवाइड करो, 9 दो बार 18, 9 पांच बार 47, इनके एवरेज हो गए 25। ओके बच्चों, राइट। उसके बाद आपका 43 है, 43 से पहले मैं देख लू जी क्या कह रहे सर। 33 ऑब्जर्वेशंस में से जो 33 ऑब्जर्वेशंस थी ये देखो मैंने ऐड एक ऐड करनी थी ना सर। नहीं नहीं नहीं, एक हमने करनी थी लेकिन वो वैल्यू क्या थी देखो ना, इनके ऊपर सम जो एक्स जो हमारे पास वैल्यू है वो आई 192 आई। आप कह लो कि इनमें 33 किलोग्राम का एक बच्चा ऐड हुआ फॉर एग्जांपल, अब टोटल कितने किलोग्राम हो जाएगा? अब टोटल 225 किलोग्राम हो जाएगा ना। लेकिन वो जो एक ऑब्जर्वेशन ऐड हुई है वो मेरे नीचे नंबर ऑफ वैल्यूज में आएगी। यहाँ पे तो वो सम हो गया लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज मेरे एक ऑब्जर्वेशन और ऐड हुए, 8 और 1 9, पहले 8 थे ठीक है। अच्छा इसके बाद बेटा आपने 43 बोला है लेकिन 43 से पहले एक जवाब बच्चे ने 38 भी बोला हुआ, 38 में करवा दो। 38 बड़ा एक टेक्निकल क्वेश्चन है, उसको रह देखते हैं। 38 या पे सीएसएस के पेपर में भी आ सकता है। 38 में कहता है एट अ प्राइवेट कॉलेज देयर आर 10 फीमेल एम्प्लॉइज विद द एवरेज ऑफ 27। देखो 27 एवरेज है, ये फीमेल की बात हो रही है, 27 एवरेज है और 10 एम्प्लॉइज है बेटा। आप इनका टोटल आप निकाले, ये इनका टोटल आएगा 270 साल, ये इनका टोटल इनका आ गया फीमेल का टोटल, यानी टोटल जो फीमेल है 10, उनका टोटल 270 ईयर्स उनकी एज है। उसके बाद कहता है if there are 20 male employees and average age of all 30 employees of the firm is 31 years. अच्छा male employee कितने हैं जी? 20 हैं, लेकिन उसके सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद कहता है जितने भी employees हैं ना सारे 30, उनकी एवरेज 31 है। देखो 31 एवरेज आ गई, टोटल 30 employees हैं, इनको वाया प्लेटो, ये ऑल employees की इंफॉर्मेशन है। इसका टोटल निकालो, टोटल आएगा 31 30, ये आपके पास टोटल आएगा 31 31 3 बार 930 बन गए ना ठीक है। अच्छा ये सम आया टोटल एम्प्लाइज का, टोटल एम्प्लाइज ये सम था फीमेल एम्प्लाइज का। जब मैं टोटल में से फीमेल निकालूंगा मेरे पास मेल एम्प्लाइज का सम बचेगा, जब मैं टोटल सम में से फीमेल का सम निकालूंगा मेरे पास मेल का सम बचेगा, तो मेल का सम कितना आएगा 930 में से 270 माइनस कर दो, मेरे पास ये बचेगा 700 का कैंसिल, 7 में से। अच्छा ऑनलाइन बेटा मैं आपको दोबारा मैं स्लाइड शेयर करता हूँ, एक मिनट ठहरी जाता नहीं नहीं टाइम कंप्लीट है, वो नेटवर्क का कभी कभी इशू आ जाता है। ऑनलाइन बेटा एक मिनट वेट कीजिएगा, मेरे पास जूम रजिस्टर्ड है, वो टाइम का इशू नहीं होता, वो ना नेटवर्क का जब इशू जब बनता है फिर वो ना लीव कर देता है। हाँ वो खोल नहीं रहा दरवाजा, शाम को मैंने कभी कभार ना कभी कभार मसला बन जाता है। ये बेटा आप लोगों को दोबारा मैं स्लाइड बेटा भी शेयर कर रहा हूँ, शाम के वक्त ज्यादा मसला हो जाता है। ये बेटा आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, एक ये बेटा आपको मैं शेयर कर दूँ। अच्छा
देखिएगा ये 38 नंबर जो मैं सॉल्व में कर रहा था उसमें पहले ये 10 फीमेल्स की एवरेज 27 थी, फिर टोटल 30 एम्प्लॉयज के एवरेज 31 थी। बेटा इसका मैंने सम निकाला 270 फीमेल एम्प्लॉयज का सम, यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज का सम है 930। अब मैं जब इस सम में से इनका सम जब मैं माइनस करूँगा ना 930 में से 270, तो मेरे पास ये बचेगा 460, ये सॉरी 660, 660। ये जो सम मेरे पास आ रहा है ना 660, ये मेरे पास आ रहा है मेल एम्प्लॉयज का सम आ रहा है 660। माइनस कर रहा हूँ ना इस टोटल एम्प्लॉयज के सम में से, ये फीमेल एम्प्लॉयज का सम मैंने माइनस किया तो मुझे मेल एम्प्लॉयज का सम मिलेगा। अब मेल एम्प्लॉयज का जब सम मेरे पास आ गया और 20 मेरे पास है मेल एम्प्लॉयज है, इनकी एवरेज में निकाल सकते, तो एवरेज आपसे पूछ रहा है कि मेल एम्प्लॉयज की एवरेज क्या होगी, तो एवरेज क्या होगी, एवरेज ऑफ मेल एम्प्लॉयज टोटल सम 660 डिवाइडेड बाई टोटल एम्प्लॉयज 20, ये आपके पास आएगा 33 ईयर। ये ऑन मेल एम्प्लॉयज की एवरेज है, ठीक है ऑनलाइन बच्चों, राइट बेटा आपको और 43 नंबर, ओके हाँ वही ना मैं वही कह रहा था, इन्होंने सारे क्वेश्चन भेज दिए, कोई मसला नहीं। 43 बेटा कहता है 10 kg ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ राइस एट 15 rupees पर केजी इज मिक्स्ड विद 15 kg ऑफ अनदर क्वांटिटी ऑफ राइस ऑफ 18 rupees पर केजी। पर का आपको मैंने क्या बताया हुआ, पर का मतलब नहीं, पर यहाँ पे एवरेज की बात करता है, पर केजी मतलब एवरेज वो कहता है। अच्छा पहले वो कहता है 10 किलोग्राम चावल है, यानी के नहीं पहली 10 किलोग्राम चावल है और 15 किलोग्राम एवरेज है। उसके बाद कहता है 15 किलोग्राम चावल है और 18 रुपए का 1 किलोग्राम है, यानी एवरेज 18 किलोग्राम है 18 रुपए। कहता है इन दोनों को मैंने एक बैग के अंदर इनको मैंने मिक्स कर दिया। आपको याद है कल हम लोगों ने कंबाइंड एवरेज वाला क्वेश्चन किया था जिनमें दोनों फैमिली को मैंने इकट्ठा कर दिया था, यहाँ पे ये दोनों बैग को आप लोग इकट्ठा कर दोगे, सेम वही क्वेश्चन है। इसका सम आया 150, इसका सम आया 15 × 8 = 120, 15 × 15 = 270। अब वो कहते हैं कि मुझे कंबाइंड एवरेज बताओ, यानी कि जो न्यू बैग आपने तैयार किया है ना जिसमें आप लोगों ने दोनों को आपने मिक्स कर दिया है, अब वो कैसे होगा 150 + 270 डिवाइडेड बाय, दो बैग नहीं है ये, जैसे दो फैमिली थी ना दो बैग नहीं है, इसमें टोटल 25 किलोग्राम है वो जो नया बैग उसने तैयार किया है, डिवाइडेड 25, 420/25, ये आपका आंसर बनेगा 16.8 रुपए पर केज। ये आपके इसकी न्यू एवरेज है, ओके ऑनलाइन बच्चों क्लियर। 44, 47, 48 तो सेम हो गया जो आपने करवा दिया है। हाँ जी बेटा 44 एग्जैक्टली वो सेम है, दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है जी सर। बेटा 47 है, देख लें 47, 48, 49, ओके बेटा 47 की इक्वेशन कैसे बनती है, कहता है 1/4 इज द एवरेज, 1/4 क्या है एवरेज है, किसकी एवरेज है 1/4 इज द एवरेज ऑफ 1/5 एंड व्हाट नंबर। कहता है एक नंबर तो 1/5 है, मुझे बताओ वो दूसरा नंबर क्या है जिनकी एवरेज 1/4 बन रही है, इन दोनों नंबरों की एवरेज 1/4 बनती है, एक नंबर 1/5, मुझे बताओ दूसरा नंबर क्या है, क्या है इक्वेशन कंप्लीट है, इसमें क्या रहता है डिवाइडेड नंबर ऑफ वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यू टोटल 2 है, अब एवरेज ये इक्वेशन कंप्लीट हुई, ठीक है ये 2 को पहले उधर ले जाओ, 2 × 1/4 = 1/5 + x, ठीक है
अच्छा ये आएगा टू वन दू टू दोर, ये बचा वन बाय टू इज इक्वल टू वन बाय फाइव प्लस एक्स। अब बेटा वन बाय फाइव को उधर ले आए इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ये आ जाएगा इसका आप एलसीएम आप लोगे आप वन बाय टू माइनस वन बाय फाइव इज इक्वल टू एक्स, एलसीएम आएगा टेन फाइव माइनस टू, ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई थ्री अपॉइंट, यानी कि यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए वो थ्री ओवर टेन आनी चाहिए। जब आप यहाँ पे आप थ्री ओवर टेन आप लगाओगे ना, आप इसको सॉल्व करोगे ये वैल्यू एग्जैक्टली वन बाय फोर की इक्वल आएगी, वन अपॉइंट फाइव प्लस थ्री अपॉइंट टेन डिवाइड बाई टू करोगे एग्जैक्टली वन अपॉइंट फोर की इक्वल आएगी, ठीक है। चलो बेटा 48 रहा देखो, 48 नंबर बेटा 48 रहा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है इसको रहा, तवज्जो से समझेगा। ये वैसे भी मेरे यूट्यूब चैनल पे ना पहले से भी ऑलरेडी मौजूद था 48 नंबर। 48 में कहता है द मीन टेम्परेचर ऑफ मंडे टू वेनेसडे वाज 37 डिग्री। मीन क्या होता है? एवरेज। 37 एवरेज है किस किस का? मंडे, ट्यूजडे और वेनेसडे डिवाइडेड बाय थ्री। मीन यही होता है ना, सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड नंबर ऑफ वैल्यू। अच्छा उसके बाद कहता है ट्यूजडे वेनेसडे और थर्सडे का मीन 34 है। 34 मीन है ट्यूजडे वेनेसडे और थर्सडे का मीन क्या है 34 ये डिवाइडेड बाय 3 आ गया। अच्छा उसके बाद एक और भी इक्वेशन कहता है, कहता है इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे वाज 4 बाय 5 ऑफ मंडे। ये एक और इक्वेशन आपको कह रहा है थर्सडे को जो टेम्परेचर है वो है 4 बाय 5 ऑफ मंडे, तो बताओ थर्सडे को टेम्परेचर क्या होगा उसका ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, आप क्या करें आप पहले आप इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व करो, ये थ्री उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा मंडे ट्यूजडे और वेनेसडे का टोटल निकालो, यहाँ पे थ्री इधर आके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से ट्यूजडे वेनेसडे और थर्सडे का एक टोटल निकालो, ये बनेगा मंडे ट्यूजडे और वेनेसडे 111 के बराबर, ये बनेगा ट्यूजडे वेनेसडे और थर्सडे का टोटल 102 के बराबर। आप इन दो इक्वेशन को अगर आप गौर से आप देखो इनमें ट्यूजडे और वेनेसडे इनमें कॉमन आ रहा है, ट्यूजडे वेनेसडे कॉमन आ रहा है। जब आप इन दोनों इक्वेशन को आप आपस में माइनस करोगे ट्यूजडे और वेनेसडे कैंसिल हो जाएगा, कैसे? मंडे के नीचे आप लिखे थर्सडे, ट्यूजडे के नीचे ट्यूजडे, वेनेसडे के नीचे वेनेसडे इज इक्वल टू 102। मैंने इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू मैंने माइनस कर दिया, माइनस जब करेंगे तो साइन चेंज होंगे, माइनस 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 ये माइनस, ये ट्यूजडे ट्यूजडे कैंसिल, वेनेसडे वेनेसडे कैंसिल, मेरे पास बच गया मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू 9। एक मेरे पास ये क्वेश्चन है मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू 9, एक मेरे पास ये क्वेश्चन है थर्सडे इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 ऑफ मंडे। आपने थर्सडे का आपने वैल्यू आपने निकाली है, यहां से मंडे की वैल्यू निकालो और ये मंडे की वैल्यू आप पुट कर दो यहां पर, आपको थर्सडे का टेम्परेचर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है कि मैंने आपको इसलिए बताया कि यहां से मैंने मंडे की वैल्यू मैंने निकाली, वो मंडे की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं, यहां पर देखिए कहते थर्सडे इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 ऑफ मंडे की जगह 9 प्लस थर्सडे, ये 5 उधर डिवाइड है इधर आकर मल्टीप्लाई होगा 5 थर्सडे हो गया, उधर रह गया 4 इंटू 9 प्लस थर्सडे, ये हो जाएगा 5 थर्सडे इज इक्वल टू 4 इंटू 9 36 प्लस 4 थर्सडे, 4 थर्सडे को इधर ले आए, ये आ जाएगा थर्सडे इज इक्वल टू 36 डिग्री। ये आपका एफपीएससी में भी रिपीट हो चुका है, पीपीएससी में ये रिपीट हो चुका है, सीएसएस में भी आ सकता है ये नेक्स्ट टाइम। ओके बच्चों 49 बेटा मैं आपको कर देता हूँ, 50 कल हम लोगों ने किया था ना? जी सर किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था ना, कल हमने किया था। 49 नंबर देखिए, अच्छा 49 नंबर में ना
उसने जो वर्डिंग यूज किया, वर्डिंग को जरा पढ़ने, उसने वर्डिंग बात किया रन रेट की। अब रन रेट को जिनका तो क्रिकेट देखने का शौक है वो तो शायद ये क्वेश्चन कर लेंगे। अब मेरे जैसे बता जिसको क्रिकेट का शौक ही नहीं है, यूनिवर्सिटी लाइफ में तो बड़ा शौक था, कॉलेज में पढ़ा चला यूनिवर्सिटी में, अब जब से ये क्लासेस में पढ़ाने के काम में अब टाइम नहीं लगता, संडे को बस कोई टाइम लगता है लेकिन कोई कोई खेले नहीं जाता था। तो बहरहाल जिनको क्रिकेट का जिनको शौक है उनको पता है रन रेट क्या होता है। रन रेट कहते हैं एवरेज को, जैसे आजकल कहते हैं बाबर आजम का सबसे अच्छा रन रेट जा रहा है, ऐसी है बाबर आजम का रन रेट है या रिजवान का है, हाँ सबसे अच्छा रन रेट है। उसमें क्या होता है टोटल मैचेस, टोटल रन डिवाइडेड बाय टोटल मैचेस, लेकिन यहाँ पे उस रन रेट की बात नहीं हो रही, वो उनकी एवरेज होती है। ये रन रेट सिर्फ एक मैच की बात हो रही है, यहाँ पे फिर रन रेट जो आएगा ये होगा रन रेट इज इक्वल टू, रन रेट कहते हैं एवरेज को, ये होगा सम ऑफ वैल्यूज की जगह आएगा टोटल स्कोर, सम ऑफ वैल्यूज की जगह आएगा टोटल स्कोर डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज की जगह आएगा टोटल ओवर्स। ये रन रेट का मतलब होता है, ये सिंगल एक मैच की बात हो रही है, ये वन मैच की बात हो रही है। अगर पूरी अगर बात अगर की जाए किसी बैट्समैन की उसकी रन रेट की, तो वो याद रखे वो क्या होता है, वो रन रेट या उसकी एवरेज होती है टोटल उसके जितने स्कोर बने हुए हैं और जितने उसने टोटल उसने मैचेस खेले हुए, ये उसकी टोटल आती है एवरेज या रन रेट। पूरा एक बैट्समैन का क्या रन रेट होता है, ठीक है। बहरहाल हमारा इधर एक मैच की बात हो रही है, वो कहता है पहले जो 10 ओवरों में रन रेट है ना इन द फर्स्ट 10 ओवर्स, ये सब आपका स्क्रीनिंग में आपको क्वेश्चन आया ऊपर, कहता है पहले 10 ओवरों में जो क्रिकेट गेम है उसका जो रन रेट था वो 3.2 था। देखें 3.2 रन रेट है, पहले 10 ओवर है, नंबर ऑफ वैल्यू 10 आ गए, इसमें आप लोग इसका टोटल स्कोर निकाल लो, वही क्वेश्चन जो हमारी आम हमारी बन रही है, टोटल इसमें स्कोर निकालो, स्कोर आएगा एक्स इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10, टोटल पहले 10 ओवर में आपका 32 स्कोर आपका हो गया, ठीक है 32 स्कोर आपका पहले 10 ओवर में। अब उसका क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर, अगले 40 ओवर में क्या रन रेट होना चाहिए अगर उनका टोटल टारगेट 282 रन। अच्छा टोटल टारगेट कितना है, 282 है, यानी कि पाकिस्तानी टीम ने 282 रन बनाए, अब इंडियन टीम ने आखिरी 40 ओवरों में स्कोर उन्होंने पूरा करना है लेकिन उनका रन रेट क्या हो। मुझे आप एक बात बताएं, अगर टोटल टारगेट अगर 282 है, पहले 10 ओवरों में कितना बना लिया, 32 तो बना लिया, अब पीछे अब रिमेनिंग अब स्कोर अब कितना बच गया, रिमेनिंग स्कोर बचता है 282 - 32 250 स्कोर उसने 40 ओवरों में बनाना है, अगले 40 ओवर में 250 स्कोर उन्होंने बनाना है। अब इसके एवरेज क्या आएगी रन रेट, आखिरी 40 ओवर में रन रेट आएगा, रन रेट इज इक्वल टू टोटल स्कोर 250, टोटल ओवर कितने 40, ठीक है बच्चों समझ आ गई। अब बेटा आप इसको डिवाइड अप कर दो, ये बेटा 6.25 उनका रन रेट है, ठीक है बच्चों। आपको बेटा एवरेज बेटा मैंने करवा दिया, परसेंटेज भी मेरे बेटा आपको मैंने करवा दिया परसेंटेज बेटा। अब ये सिर्फ आप लोगों के असाइनमेंट ये है, आप लोगों ने बेटा आखिरी दो क्वेश्चन जो सीएसएस के है वो बेटा आप लोगों ने करके लाने, ओके ठीक है बेटा। कल बेटा हम लोग एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट एक और चैप्टर करेंगे, दैट इज प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, और ये जो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज है ये हमारा 2000 मैं एक मिनट देख के आपको बताता हूँ बेटा, सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ 2018 में भी आया, 2019 में भी आया हुआ है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। इस तरह अगर आप 2022 का पेपर आप उठाओगे सीएसएस का एबिलिटी का, उसमें आप लोगों को परसेंटेज का आपको दो क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन जो अभी आपको मैंने बताया था, एक क्वेश्चन एक और भी है कि एक बंदा एक फैक्ट्री में एक टैग लगा रहा है एक्सेलेटर के ऊपर, उसने उसकी वैल्यू उसने 20% कम करनी थी गलती तो उसने 20% वैल्यू उसने बढ़ा दी, जिसकी वजह से उसमें 80 रुपये का उसमें फर्क आया, बताओ तो ओरिजिनल स्वेटर के रेट क्या होना चाहिए, वैल्यू क्या होनी चाहिए 2022 के पेपर में आया हुआ था, उसको बेशक अपने तौर पे अटेम्प्ट करके लाएं। कल मुझे आप दोनों क्वेश्चन आप कल मुझे आप चेक भी करवाओ,
है ऑनलाइन बच्चों, ओके थैंक यू बच्चों। मैं अभी इसको अभी मैं ऑफ कर रहा हूँ, आप लोग बेटा आपको मैं ये स्लाइड अभी इंचार्ज में आपको शेयर दिखा देता हूँ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। कल इंशाल्लाह क्लास 11 बजे बेटा, आप लोग 11:05 तक बेटा मैं क्लास स्टार्ट ले लेता हूँ। ऑलरेडी आपको मैंने बताया हुआ है, क्लास में आप ज्वाइन कर लिया करें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। असाइनमेंट असाइनमेंट अनफॉल बेटा आप कह रहे हो, असाइनमेंट सर रिपीट कर दें। असाइनमेंट मेरे बेटा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने परसेंटेज के आखिरी बेटा 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं बस, वो बेटा कल आप लोगों ने मुझे चेक करवा। जो सी एस एस के ये आए हुए हैं, एक है बेटा ये एक 2017 में है, एक बेटा 2021 में है। बेटा 22 को बेशक क्वेश्चन सॉल्व करके आप मुझे आप बेशक शेयर कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।